अच्छा, हमने विजुलाइजेशन पे स्टार्ट किया है। हम देखा कि विजुअल वेरिएबल्स को स्क्रीन पे कैसे यूटिलाइजेशन कर उनकी कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख रहे थे, जिसमें फर्स्ट हमने देखा नेपोलियन मार्च की, जिसने पोजीशन को, कलर को और उसके साइज को यूटिलाइज किया गया है। इसकी डिटेल आपने देखनी है, आप गूगल करें नेपोलियन मार्च, वहाँ पे आपको शो कर देगा कि इसकी में कौन कौन से विजुअल वेरिएबल्स यूज किए गए और ये किस तरह से एक बेस्ट यूटिलाइजेशन है, चीजों को शो करा है, मल्टीपल चीजों को शो करवाया हुआ है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, कम जगह पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारे पास स्क्रीन में स्पेस कम होती है, हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है, और उसके लिए हम विजुअल वेरिएबल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल आपको दे। यहाँ पे शेड यूज हुआ है, एक ही कलर के डिफरेंट शेड शेड यूज हुआ है, जिनको हम कहते हैं कौन सा विजुअल वेरिएबल, वैल्यू वैल्यू जो है वो किस लिए यूज हो रहा है। जैसे ये डार्क पिंक का डार्क और लाइटर शेड यूज हो रहे हैं, जो कि शो कर रहा है स्ट्रेंथ को, जहाँ पे लाइट होगा इसका मतलब है वो मिनिमम है, और इसके दरमियान हम कंपैरिजन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे, कि नंबर ऑफ वोटर्स को शो कर रहा है कि किस जगह में पाकिस्तान में एक पोजीशन शो हो रही है, इस पोजीशन से आपको आइडिया हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कौन सी जगह है पाकिस्तान का, किस कौन सा हिस्सा है, कौन सा कॉर्नर है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स की स्ट्रेंथ कितने हैं वो वैल्यू से शो हो रहे हैं। अब यही चीज अगर हम इस तरह डिफरेंट कलर्स को यूज करके शो करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वन, सेम उसी चीज को हमने वैल्यू को यूज करने के बजाय कलर्स को यूज किया हुआ है, डिफरेंट कलर्स को। अब डिफरेंट कलर्स के दरमियान हम कंपैरिजन का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता ब्लू जो है वो रेड से ग्रेटर है या कम है, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा है या कम है। यहाँ पे मुझे उसकी स्ट्रेंथ से, उसकी डार्कनेस से पता चल रहा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा है इस एरिया में। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया है इस पे डार्क, बहुत ज्यादा डार्क है, और ये एरिया बहुत लाइट है, इसका मतलब इधर नंबर ऑफ वोटर्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है। सेम यहाँ पे मुझे नहीं पता कि डार्क ये ब्लू जो है ज्यादा है या कम है, इसके दरमियान कलर के दरमियान हम ग्रेटर देन लेस देन का कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट मैपिंग ऑफ द पोजीशन एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे देखें ये क्या है, एक ग्राफ बना है जहाँ पे ड्राइवर की एज एक्स एक्सिस पे ड्राइवर की एज दी हुई है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है कि वो कितने फीट तक देख सकती है, उनकी आई साइज विजिबिलिटी उनको कितने फीट तक है, दूर तक विजिबिलिटी है। जब कम एज में जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें विजिबिलिटी कम होती जाती है। यहाँ पे ये रिलेशन ग्राफ बनाना तो सबको आता होगा, ये रिलेशन समझ आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे एज दी हुई है 15, 25, 35, 45 और वाई एक्सिस पे कितने फीट तक, वो 300 फीट तक, 400, 500, 600 तक उसे विजिबल है, क्लियर विजिबल है। अब जब एज कम होती है तो विजिबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है विजिबिलिटी कम होती जाती है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हाइट दी हुई है और वाई एक्सिस पे वेट दिया हुआ है, एक स्कैटर प्लॉट बना हुआ है जो वेट और हाइट के कंपैरिजन को शो करता है। अब यहाँ पे लेजेंड में आप देखें रेड जो है वो मेल को शो कर रहा है और ब्लैक फीमेल को शो कर रहा है, फीमेल के हाइट और वेट का कंपैरिजन और ये मेल की हाइट और वेट का कंपैरिजन। ये जो बीएमआई लेवल अगर हम देखें तो मेल का बीएमआई ज्यादा होती है, वैल्यू फीमेल की कम होती है, तो ये उसको एक ग्राफ के फॉर्म में हमने शो किया हुआ है। जस्ट आपको ये सारी एग्जांपल दिखाने की क्या जरूरत है कि हम चीजों को विजुअली कैसे शो करवा सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम एंड परसेंट चेंज, अब यहाँ पे डेल्टा आई शो हुआ और डेल्टा आई प्लस वन कोई भी चीज है, आप कोई भी वैल्यू सपोज कर ले तो वो शो हुआ है, चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है इन डिफरेंट वो एग्जांपल में। हायरार्किकल डाटा क्या होता है, हायरार्किकल
आपके हिलाली का डाटा हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे अगर आप डिफरेंट एक होता है यूनिवर्सिटी में, हम देखते हैं डायरेक्टर है, डायरेक्टर एकेडमिक्स है, उसके बाद ये स्वान एक हायरार्की चल रही होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, देन टीचर हेड ऑफ वो प्रोग्राम होता है, देन स्वान ये हायरार्की एक चलती रहती है। तो हर चीज में हम हायरार्की बना रहे होते हैं, या अगर हम इसको नहीं भी देखते तो एक वर्क WBS आपने देखा होगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें हम टास्क को डिकम्पोज करते जाते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टास्क में डिफाइड कर देते हैं और उसको डिकम्पोज करते करते एक हायरार्की बन जाती है, देन हम वो इस तरह से कुछ भी टास्क बन जाते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हायरार्किकल डाटा जो होता है वो हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। हायरार्किकल डाटा को कैसे शो किया जाता है, जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है कि हर जगह पे होता है, फॉर एग्जांपल फोल्डर्स और फाइल्स, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डिफरेंट फोल्डर्स फाइल्स होते हैं वो हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं। जैसे सी ड्राइव ओपन करेंगे उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उनमें से एक फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर फाइल्स होंगी, तो उसके अंदर डी डाउन आप जाते जाएंगे ये भी हायरार्की है। एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं, उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल वो, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल दी, डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल दी है, और आप प्रोग्राम बनाते हो जब टास्क को डिवाइड करते हो तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर वो हायरार्किकल डाटा होता है। इसको हम इस तरह से, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके इसको फाइन नाउ, आप इसको हायरार्किकल डाटा को शो कर सकते हैं इस वे में। आपने कोई भी इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर है, इसके अंदर कौन से ये वाले डिफरेंट पड़े हुए हैं, कुछ फाइल्स हैं कुछ फोल्डर पड़े हैं। अब इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है, इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है और ये वाली दो फाइल है, आप इस फोल्डर को अगर ओपन करते हैं तो इसमें ये पड़ा हुआ है, ये हायरार्किकल डाटा को शो किया हुआ है। अब हायरार्किकल डाटा को जब विजुलाइज किया जाता है तो उसको हम कैसे, एक रूट नोड होगा, उसके बाद रूट की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे एक सी ड्राइव है, ये मैं कहती हूँ सी ड्राइव के अंदर तीन फोल्डर्स पड़े हुए हैं, ये तीन, अब तीन फोल्डर्स के अंदर, एक फोल्डर के अंदर आगे इस वाले ए बी सी तीन फोल्डर्स थे, ए फोल्डर जो था उसके अंदर तीन तरह की फाइल्स पड़ी हुई थी, इसके ये रूट फोल्डर है, ये ब्रांचेज है, चाइल्ड नोड और सो ऑन, ये इस तरह से हम शो कर सकते हैं एक जो हायरार्किकल डाटा होता है। अच्छा अगर सपोज करें, इमेजिन योर सी ड्राइव इज फुल एंड योर कंप्यूटर इज रनिंग स्लो, यू डिलीट ऑल दी फाइल्स, अनइंस्टॉल द प्रोग्राम। अच्छा आपके स्पेस खत्म हो गई है, सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, आपने कुछ चीजें डिलीट करनी है सी में से, फॉर एग्जांपल अब आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी फाइल का बड़ी होगी, आप इन साइड उससे ओपन करते जाते हैं, आपको साइज उसका फोल्डर उससे साइज नहीं पता, स्पेस अभी भी आपने कुछ चीजें डिलीट करी हैं लेकिन स्पेस जो है वो फ्री सफिशिएंट नहीं हो रही। यू वांट टू विजुलाइज द डेटा ऑफ योर हार्ड डिस्क टू अंडरस्टैंड वेयर द स्पेस इज बीइंग कंज्यूम्ड, अब वन बाय वन हर चीज को ओपन करके वो देखते हैं कि उसकी स्पेस देखते हैं, प्रॉपर्टीज में कितनी चीज यूटिलाइज कर रहा है, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट मेथड होता है। आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें विजुलाइज हो जाए, एक विजुलाइजेशन में शो हो जाए कि कौन सी चीज ज्यादा स्पेस ले रही हो, तो आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं, इस केस में ट्री अगर बनाते हैं, ट्री एक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है और कौन सा अच्छा मेथड हम यूज कर सकते हैं। ट्री अच्छा मेथड कैसे नहीं है, ट्री में ना तो आपको, एक तो ट्री बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, डिफिकल्ट टू फिट इन ऑल इंफॉर्मेशन ऑन वन स्क्रीन, अगर आप ट्री बनाते हैं सी में हो सकता है 1000 फाइल्स पड़ी हो, आप एक स्क्रीन के ऊपर ट्री बनाते बनाते 1000 फाइल्स तो नहीं शो कर सकते, आपका नेक्स्ट 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 पेजेस पे मूव होता जाएगा, इस स्क्रीन के अंदर 1000 फाइल्स को शो नहीं कर सकते ट्री के फॉर्म में, अगर सब सब डिवाइड करके बनानी है तो एक स्क्रीन पे फिट करना फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ट्री के साथ की स्क्रीन पे डिस्प्ले करना डिफिकल्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उनका साइज नहीं शो किया जाता, अगर हम ट्री बनाते हैं तो हम सबको एक ही साइज के, फॉर एग्जांपल मैं नोड्स बनाती जा रही हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर में या रेक्टेंगल्स में नोड्स बना रही हूँ, तो नोड को देख के उसका साइज नहीं पता चलता कि वो साइज कितने साइज की फाइल है। अब इसके लिए क्या यूज होता है,
इसका सॉल्यूशन ट्री मैप हो सकता है, जिसमें हमने क्या किया, एक सी ड्राइव जैसे है तो उसको पूरी आपके पास जितनी अवेलेबल स्पेस है उस पे आपने सी ड्राइव को वो रख दिया, उसके अंदर आपने एक फोल्डर है टेम्परेरी का, उस फोल्डर को हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद प्रोग्राम्स का एक फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है, ये डिफरेंट टाइप के फोल्डर है, उसके अंदर जिस फोल्डर का जितना साइज था उस फोल्डर को उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें रख दिया, उतनी स्पेस दे दी। उस फोल्डर के अंदर आपने जो फाइल्स थी उनको भी उनके साइज के लिहाज से स्पेस दे दी। तो ये एक इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि इधर से देख के मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ तो आप इजीली बता सकते हो, यहाँ पे पॉइंटर, अच्छा यहाँ पे आप जैसे ISO फाइल है, ये सबसे ज्यादा स्पेस ले रही है, मुझे इसको जस्ट व्यू करने से डायरेक्टली बताइए ये ज्यादा इजी वे है या वो जिसमें हम वन बाय वन हर फाइल को ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं, वो इजी वे है। यहाँ से आपको उसको व्यू करना बहुत आसान हो जाता है, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होता है कि कौन सी चीज कितना साइज दे रही है, यहाँ से आप उस चीज को जो आपको लगेगा कि ये सबसे ज्यादा साइज कंज्यूम कर रही है हम उसको कर देंगे, डिलीट करके आप फ्री स्पेस कर सकते हो। ट्री मैप डिस्प्ले हायरार्किकल डाटा एज ए सेट ऑफ नेस्टेड रेक्टेंगल्स। यहाँ पे देखें आपने एक रेक्टेंगल बनाई सी की, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाई टेम्प की, विंडोज की सारी प्रोग्राम्स फाइल वन बाय वन आपने उनकी रेक्टेंगल्स बना दी। तो ट्री मैप्स डिस्प्ले हायरार्किकल डाटा एज ए सेट ऑफ नेस्टेड रेक्टेंगल्स। साइज ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी इंटरेस्ट। मेन प्राइमरी इंटरेस्ट हमारी क्या थी इस टाइम पे, क्या थी कि जो उसका साइज होता है हमें पता करना है कि साइज कितनी स्पेस दे रही है कौन सी जगह पे। तो यहाँ पे जो साइज है रेक्टेंगल का वो शो कर रहा है कि ये कितनी स्पेस ले रहा है, अगर साइज बड़ा है तो बड़ी ज्यादा स्पेस ले रहा है, अगर साइज कम है तो वो कम स्पेस ले रही है। अदर विजुअल वेरिएबल कैन आल्सो बी यूज्ड इफ नीडेड। हम डिफरेंट और विजुअल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर शेड्स। जहाँ डू नॉट वेस्ट स्पेस एंड कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट थाउजेंड ऑफ आइटम्स। स्पेस वेस्ट नहीं होती और आप थाउजेंड ऑफ आइटम्स की इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो इसमें इजीली। क्या बना हुआ है कि हमने उन्हीं चीजों को रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो कर दिया और रेक्टेंगल्स का जो साइज होता है वो उसके स्पेस कितनी ले रहा है वो उसको शो कर रहा है। अब इसकी एक और एग्जाम्पल ट्री में आपकी दी हुई है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कंपेरिजन फ्रूट दिए जा रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अगर हम यूएमटी का कंपेरिजन किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यहाँ का ये यूएमटी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूएमटी में एडमंड डिपार्टमेंट है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमंड डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे एडमंड डिपार्टमेंट कितना है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कितना है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सेम कलर ये देखें कितना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एमएस के प्रोग्राम जो है एमएस का हो रहा है और यहाँ पे एमएस जो है उस पे कितना है, बजाय इसके कि आप एक लेंथी डॉक्यूमेंट जिसमें कोई इतना बड़ा सा बंडल कोई 100+ पेजेस की डॉक्यूमेंट होगी जिसमें रीड आउट करके आप सारा समझेंगे कि दोनों के दरमियान क्या है लिंक, तो आप एक डायग्राम के शो में दोनों का कंपैरिजन आराम से शो कर सकते हैं कि यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला जो है ये यूएमटी जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इनका बहुत बड़ा है, ये वाला छोटा है। अब यहाँ पे ये कहाँ पे लैग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर है एज कम्पेयर टू यूएमटी, यूएमटी का इस पे काम है। तो यहाँ पे
सिंपल डायग्राम वो देख के विजुअलाइजेशन को आप कंपेरिजन कर सकते हो, जैसे कि आप इतनी बड़ी वॉल्यूम के डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हो और वो सारा टेबुलर डाटा। पहले हमने क्या देखा, हिरारिकल डाटा। हिरारिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा कि अगर ट्रीज की हिरारिकल डाटा होता क्या है, पहले हमने ये देखा। उसके बाद अगर उसे ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आते हैं। आप ट्री के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ट्री मैप दिया गया, जिसमें हम डाटा को रेक्टेंगल की फॉर्म में शो कर देते हैं और नेस्टेड रेक्टेंगल उसके अंदर बदली जाती है एक स्ट्रीम में डिस्प्ले करने के लिए। अब हम देखेंगे टेबुलर डाटा। टेबुलर डाटा क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में ज्यादातर डाटा शो हुआ हुआ है। ऑब्वियसली आपने टेबल के फॉर्म में पूरी थ्रू आउट लाइफ बहुत सी जगहों पर बहुत से फॉर्म में टेबल देखे होंगे। Now which variables are interested in, then we can visualize it easily, but what can we do if we are looking for interesting cases or use better? अच्छा, अगर आपको कोई एक वेरिएबल देखना है कि हम इसमें से कोई चीज देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की मार्क्स ACI में आपके एक टेबल में है, मैं वो देखना चाह रही हूँ, तो आप उसको विजुलाइज देख सकते हो कि किस रेंज में मार्क्स आए, विजुलाइज कर सकते हैं। When we can, what we can do if we are looking for interesting cases and usual pattern and observation? अगर मैं किसी specific variable की बजाय मैं total overall जितना भी data है सबको visualize करना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ क्या इनके दरमियान कोई interesting pattern exist करते हैं, कुछ चीज इस तरह की exist करती है, उसके लिए table lens use होता है। Table lens में आपको बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा होता है, जैसे टेबल बहुत बड़े बड़े से टेबल होंगे जिनको आपने शॉर्ट करके शो करवाया होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ किनको वेबसाइट शायद आप सब ने देखी होगी, जिसमें आपने वहां पे आपको ये चीज शो हो रही होती है टेबल लेंथ। ठीक, किनको वेबसाइट तो सबने देखी होगी, वहां पे टेबल लेंस शो हो रहे होते हैं जिसमें वो उसने कितनी हिट्स की और कितनी उसकी कितने स्कोर्स किए थे, कितनी सेंचुरीज बनाए, कितने सिक्सटीज बनाए और वो सारा डाटा जो एक कितने आउट किए वो सारा डाटा शो हो रहा होता है। यहाँ पे आप बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा है उसको विजुलाइज कर सकते हो टेबल लेंस की फॉर्म में, जिसमें से आपने उसमें से देख सकते हो कि इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। टेबल लेंस क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑल डाटा इन स्केल्ड पिक्टोरियल फॉर्म, पैकिंग ऑल डाटा ऑन स्क्रीन कैन पॉप अप इंटरेस्टिंग पैटर्न्स 100 टाइम्स मोर देन अ टेबल। यूजर इजीली फोकस कर सकता है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट है इस जगह पे, मैं कहती हूँ कि ये जगह मुझे देखनी है, तो मैं इसे जूम आउट भी कर सकती हूँ देखने के लिए, कि जूम इन करके आप देख लेते हो कि क्या चीज वो इसमें है, डिटेल भी देख सकते हो। अच्छा, इसकी डेमो के लिए कि कैसे बनता है और कुछ आपने इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए, यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिंक ऐड किया हुआ है, आपने यहाँ पे जाना है लिंक पे और जाके ओपन करके देखना है कि ये विजुअलाइजेशन टेबल लेंस के बारे में इसमें डिटेल कुछ लिखी होगी, आपने वो रीड आउट करनी है और उसके अलावा आपने एक्चुअल में परफॉर्म करके देखना है कि टेबल लेंस कैसे बनता है। ये टेबल लेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। टैग क्लाउड, टैग क्लाउड क्या होता है, आपने यहाँ पे कुछ बैनर्स पे और कुछ जगहों पे देखा होगा डाटा इस तरह से शो हो गया होता है कि कोई वर्ड ज्यादा सा आपको उसका वेट ज्यादा होता है, मीन वो उसका साइज बड़ा होता है, बाकी कुछ वर्ड्स के साइज छोटे होते हैं, मल्टी सारे वर्ड्स आपस में पैक हुए होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वर्ड आपस में बहुत टाइटली पैक हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और उनमें से कुछ वर्ड्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, और वो जो बड़ा उसकी उस वर्ड्स की स्ट्रेंथ को शो कर रहा होता है उसका साइज। तो यहाँ पे भी विजुअल वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है चाइना, यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा शो हो रहा है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान, बांग्लादेश। शायद फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये आपको वो शो हो रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री की, कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम टैग क्लाउड बनाते हैं, तो हम कंट्री लिखेंगे और कंट्री की कितनी स्ट्रेंथ है वो देंगे, तो वो उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे टैग क्लाउड बना के उसका साइज उसकी
कितनी पॉपुलेशन है उसके पे शो कर देता है। तो इस तरह के डिफरेंट आपने बैनर्स में एडवर्टाइजमेंट में टैग क्लाउड बने हुए देखे होंगे। टैग क्लाउड दैट टाइटली पैक वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट पैक, मतलब मोस्टली ये होता है कि टैग क्लाउड में लेफ्ट से राइट तक पैक वर्ड क्या होता है या टॉप से बॉटम इस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाया होता है। पैक्स इंफॉर्मेशन एज टाइटली एज पॉसिबल यू कैन क्रिएट योर, अच्छा इस वेबसाइट पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे तो आप खुद से वर्डल बना सकते हैं। मीन्स आपकी ये प्रीवियस जो भी उसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे वर्डल की आपको एक टैग क्लाउड बनाया हुआ है, अगर आप खुद बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक असाइनमेंट है, आपने कोई भी असाइनमेंट है उसमें आपकी वो जो प्रपोजल आपने दिया है, प्रपोजल में कौन से वर्ड कितने यूज हुए हैं, आप क्या करें उस इस वेबसाइट पे जाके वहां पे आप उस प्रपोजल को अपलोड करें, उसमें जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो इस तरह से डिस्प्ले, वो पूरे प्रपोजल को इस तरह से डिस्प्ले कर देगा, उसमें जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है उसको सबसे बड़ा कर देगा और जो वर्ड कम यूज हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम शो करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने द वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है, टी एच ई द यूज किया हुआ है तो वो द सबसे बड़ा शो होगा, या आपने सॉफ्टवेयर वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा बड़े साइज में शो कर देगा और बाकी वर्ड्स को कम साइज में शो कर देगा। तो ये आपने एक्चुअल जाके इस वेबसाइट में, स्लाइड अपलोड कर दूंगी तो आपने स्लाइड में इस लिंक पे जाना है और वहां पे जाके क्लिक करके आपने देखना है कि ये कैसे शो किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल शोज द वर्ड क्रिएटेड फ्रॉम द यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को जब इस वर्डल पे ऐड किया गया तो ये वर्डल बना। अब देखें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज हुआ हुआ है, स्टेट्स। ये शो करता है कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा किसी डॉक्यूमेंट में, जब आप प्रपोजल ऐड करोगे तो ये अगर आप लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम कोई भी स्टाइल सेट कर लेंगे तो वो इस तरह का बना देगा, उसमें जो वर्ड जितना ज्यादा यूज हुआ हुआ है वो उतना ज्यादा साइज में शो हो जाएगा। नेसेसिटी फॉर यूजर इंटरफेस विद विजुअलाइजेशन ओवरव्यू डाटा का जूम इन, आप एक क्या चीज होती है, एक तो होता है डाटा आपको बहुत ज्यादा फॉर्म में जो डाटा होता है उसको डिस्प्ले कर दिया होता है आपने बहुत छोटी सी स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हो तो आप किसी भी जगह पे जूम कर सकते हो या कोई फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ऑन डिमांड शो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत एक अच्छी सी एग्जाम्पल है, आपने गूगल मैप यूज किया होगा, मैप में पूरी वर्ल्ड का मैप शो हो रहा है, अगर आप किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करते हो उसको जाके जूम करके आप वहां से इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा सा डाटा एक छोटी सी स्क्रीन पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया हुआ होता है। एन एप्लीकेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, अच्छा बर्ड्स ऑन वेब ये एक पेपर है, ग्राफ विजुअलाइजेशन टेक्निक फॉर वेब क्लस्टरिंग इंजन, ये आर्टिकल है जो कि आपने पढ़ना है, रीड आउट करना है। इसमें मैं आपको वैसे बता देती हूँ ओवरव्यू है क्या चीज, लेकिन आपने मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, आपने ये रीड करना है खुद से। ग्राफ विजुअलाइजेशन में है क्या चीज, वेब क्लस्टरिंग इंजन, इट इज समटाइम हार्ड टू फाइंड रेलिवेंट रिजल्ट यूजिंग ए ट्रेडिशनल सर्च इंजन साइज ऑफ, अच्छा साइज पे भी डिपेंड करता है, ये ट्रेडिशनल लाइक आप गूगल यूज करते हो, आपने सर्च किया तो वो कहते हैं कि रिजल्ट रेलिवेंट रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है, साइज की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, बैट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सर्च किया है, बैट जो होता है वो क्रिकेट बैट भी हो सकता है, बेसबॉल बैट भी हो सकता है, कोई बैट एक एनिमल भी है और या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो आपने किस बैट को सर्च किया है, सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा आप यहाँ पे कौन से वाला बैट आपने सर्च किया है। अगर मैं बैट सर्च करती हूँ, अब जो वेब क्लस्टरिंग सर्च इंजन है वो क्या करते हैं, वो एक क्यूरी को यूजर से रिसीव करते हैं, सर्च इंजन को क्यूरी देते हैं, सर्च इंजन क्या करता है ऑर्गेनाइज करता है रिजल्ट्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में, क्लस्टर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में बना देता है। अब वो ग्रुप में क्या बनाएगा, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एनिमल्स और इस तरह का, अगर आपने बैट लिखा है तो डिफरेंट तरह के ग्रुप बना देगा,
अब वो ग्रुप जब आपको शो कर देगा उसमें से आप ग्रुप एक सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने तो एनिमल को सर्च किया था, तो मैं एनिमल वाला ग्रुप सर्च कर दूंगी, आगे वो सारी इन्फॉर्मेशन एनिमल के बारे में देगा, रादर देन कि मैं वो बैट स्पोर्ट्स बैट्स और क्रिकेट और बेसबॉल इस तरह के बैट्स के अंदर कंफ्यूजिंग रहूँ। तो ये ऑर्गेनाइज कर देता है यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए। ईच क्लस्टर हैज द रिजल्ट्स दैट आर सिमेंटिकली रिलेटेड टू ईच अदर। अब रिजल्ट मीनिंग सिमेंटिक, वो सिंटैक्स और सिमेंटिक में क्या डिफरेंस होता है, सिंटैक्स क्या होता है और सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग को शो कर रहा होता है। तो जो एक ग्रुप के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक दूसरे के से रिलेटेड होती है। इसकी एक एग्जांपल है कैरेट सर्च। आप गूगल पे जाके देखें कैरेट सर्च क्या होता है, उसको यूज करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सालसा सर्च किया हुआ है, सालसा। अब विजुलाइजेशन में वो क्या करता है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि सालसा डांस क्लासेस रेसिपीज म्यूजिक, सालसा की बहुत सी टाइप्स हैं। आप कौन सी वाली टाइप, फॉर एग्जांपल मैं तो फूड, एक फूड थी, एक डिश है सालसा जो सर्च कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और वो देन जो भी उसकी रेसिपीज जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले, देन सर्च रिजल्ट्स जो होंगे वो सारे इसके रिलेटेड डिस्प्ले करेगा। रहता है कि वो ये सारे सर्च रिजल्ट एट टाइम शो करते हैं और यूजर को एक सब में कंफ्यूजिंग हो, वो एक वेबसाइट को खोलता है फिर बैठ जाता है फिर दूसरी वेबसाइट को खोलता है सुबह। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि वो मैं पहले सेलेक्ट कर लूंगी कि मुझे रेसिपी देखनी है, फूड आइटम्स के बारे में सर्च कर रही हूँ, और देन वो वहाँ पे जाके वो फूड आइटम की इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। अच्छा होता क्या है, यूजर ने क्यूरी की वेब क्लस्टरिंग इंजन को, वेब क्लस्टरिंग इंजन ने क्या किया, डिफरेंट सर्च इंजन से वो लेके क्लस्टर हायरार्की बना दी। जैसे सालसा था, सालसा में आगे फूड और डांस म्यूजिक और इस तरह की नेक्स्ट सो ऑन कैटेगरी वो बनाता जाता है। तो आप यहाँ से सर्च कर लेते हो कि आपने कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। What's a web visualization based interface है for clustering search engine? What's a web का क्या मतलब है? ये एक interface है। हमें HCI में आप सोच सकते हैं कि हम अभी HCI में ये बात ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये एक interface बनाया गया जो कि visualization based है, मतलब बजाय इसके कि वो बार बार read करके और उसमें से then information get करता है क्या ये हमारे related है या नहीं search, तो आप उसको विजुअलाइजेशन में देख लेते हैं और उस पर क्लिक करने से फाइंड आउट कर लेते हैं। राज ए ग्राफ ऑफ नेटवर्क, ये नोड्स की फॉर्म में, जैसे ये पिछले एग्जांपल में बताया, ये नोड्स की फॉर्म में ग्राफ क्या करता है ये सर्च इंजन, और ये इंटरफेस में दिखा देता है इस तरह से, ये इस तरह से दिखा देता है नोड्स की फॉर्म में, और देन आप वहां से सिलेक्ट कर लेते हो कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। आपने ये इस क्लास के बाद अभी ये कैरेट सर्च सर्च करना है और देखना है कि ये कैसे काम करता है। जब आप इसकी वर्किंग को देखोगे देन आपको समझ आएगी ज्यादा क्लियर चीजें। फॉर एग्जांपल आर्मस्ट्रांग सर्च किया है। अब आर्मस्ट्रांग नील आर्मस्ट्रांग है, लोस आर्मस्ट्रांग है, लांस आर्मस्ट्रांग है, अब कौन से वाला है नहीं पता। आर्मस्ट्रांग में से लाउस बायोग्राफी, लांस कौन सी, और लांस की भी बायोग्राफी है, लाउस की भी बायोग्राफी है, कौन सी बायोग्राफी आपने वो करनी है, किसको सर्च करना है इसको इस तरह से। अब इसकी इंटरफेस को कैसे शो किया गया है, डिफरेंट नोड्स ट्रीज की फॉर्म में शो किया हुआ है कि कैसे दिखाया जा सकता है। अब एक इंटरफेस उन्होंने बना दिया, हमने मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम मेन हमारा काम क्या है, हम इंटरफेस बनाते हैं, स्केचेस ड्रा करते हैं, उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करके उसकी एवेल्युएशन कर लेते हैं क्या नया इंटरफेस जो है वो पुराने से बेटर है या नहीं। अब इन्होंने कहा जो वेबसाइट पे चीजें सर्च की जाती है, तो वो जैसे बैट सर्च किया है, सालसा सर्च किया है, आर्मस्ट्रांग सर्च किया है, या कोई भी चीज सर्च किया है, सर्च करने से वो ज्यादा चीजें सब चीज डाटा जो होता है वो बहुत मैसअप हुआ होता है। अब अगर मैंने बैट एनिमल सर्च किया है तो मुझे वो सारी चीजों में से गुजरते पहले बार बार स्पोर्ट्स वाले वो खोलती हूँ, फिर बंद करती हूँ, खोलती हूँ, बंद करती हूँ, तो वो इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि बर्ड्स एंड वेब जो है वो इस लॉजिक पे काम करता है कि वो देखता है, वो डिफरेंट ग्रुपिंग कर देता है, और ग्रुपिंग करके
जो रिसर्च की उन्होंने कहा जब ग्रुपिंग की फॉर्म में शो होता है तो हम उसमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है, पहले यूजर सिलेक्ट करे कि वो कौन सा, फॉर एग्जाम्पल सालसा है तो मैं सालसा रेसिपी में इंटरेस्टेड हो, रेसिपी फूड में इंटरेस्टेड हो, तो वो रेसिपी पे क्लिक करता है और रेसिपी से नेक्स्ट यूजर चला जाता है, तो वो उसको उसके रिलेटेड ही चीजें शो होती हैं जो कि यूजर को ज्यादा अच्छे से तरीके से फैसिलिटेट कर सकती हैं। तो इसके लिए एक इंटरफेस बनाया गया, और इंटरफेस को बनाने के अब उसकी लॉजिक क्या थी सारी और उसके बैकएंड पे क्या था उसको एवेलुएट किया गया। एवेलुएशन के लिए दे चूज सर्टेन एमबीबीएस टर्म्स लाइक जगर आर्मस्ट्रांग आस्क 20 टेस्ट यूजर्स टू, एवेलुएशन के लिए उन्होंने डिफरेंट टर्म्स यूज की। एमबीबीएस मतलब इसके मल्टीपल, जैसे बैट था मल्टीपल चीजें वर्ड्स के मीनिंग जो सजेस्ट कर रहे हो, आस्क 20 यूजर टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर कंसेप्ट रिलेटेड टू द टर्म, फॉर एग्जांपल कार है या एनिमल है, ये कार भी है एनिमल भी है, कौन सा आप सर्च कर रहे हो। फाउंड दैट यूजर कैन मोर इजीली फाइंड रेलिवेंट पेजेस यूजिंग दिस विजुअल इंटरफेस। उसके रिजल्ट आए जब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दो इंटरफेस बना लिया, अब कुछ यूजर्स को उन्होंने पुराना इंटरफेस दिया और कुछ को ये कैरेट सर्च वर्ड्स ऑन वेब वाला सर्च इंटरफेस दिया। अब उनको कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है एम्बिगुअस टर्म्स के बारे में। अब वो टर्म्स के बारे में वो लोग जिन्होंने कैरेट सर्च वर्ड्स ऑन वेब वाला इंटरफेस यूज किया उन्होंने ज्यादा जल्दी रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, रादर देन उन लोगों के जिन्होंने एक सिंपल इंटरफेस पे वो सर्च किया, वो बार बार डिफरेंट पे जाते थे, जैसे बैट के बारे में स्पोर्ट्स में गए या सालसा के बारे में, पहले डांस म्यूजिक ये डिफरेंट चीजें होते, वो उन्होंने रेसिपीज वाले पेजेस जो थे वो थोड़े मुश्किल से निकले, लेट भी गए, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये वाला बेटर जो इंटरफेस है वो ज्यादा बेटर है। तो ये चीज थी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ वो इस पेपर में है, ग्राफ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स फॉर वेब क्लस्टरिंग इंजन। तो आपने ये आर्टिकल रीड करना है। इसके अलावा आपके वो मैं असाइनमेंट है जिस मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आपने क्या करना है काम, ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन करनी है दूसरों की असाइनमेंट की, तो वो मैं आपको इंटरचेंज करके हर स्टूडेंट को असाइनमेंट किसकी अलॉट कर दूंगी, आपने उसको एवेलुएट करना है, और उसकी जो ह्यूरिस्टिक इससे आपकी असाइनमेंट की मार्किंग नहीं होगी, बल्कि आपकी इस असाइनमेंट 2 की मार्किंग मैं खुद से करूंगी। असाइनमेंट 3 जो है उसमें क्या है, आपने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करनी है दूसरे के असाइनमेंट की, तो इसमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे के मार्क्स पे, लेकिन आपने कितनी अच्छी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की है आपको मार्क्स उसकी बेस पे मिलेंगे। तो आपने ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है, उसमें उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करें, आपने कितनी अच्छी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन किया उसकी बेस पर आपको मार्किंग दी जाएगी। तो आपने नेक्स्ट असाइनमेंट वो सबमिट करवानी है और ये वाला पेपर।